इतना बर्फ हुआ कि मतलब गाड़ी में भी बर्फ जम गया है। बर्फ का ये वाइपर भी जाम हो गया है, इतना बर्फ हो गया, बहुत ज्यादा बर्फ। कितना बर्फ हुआ था? इलाके इलाके कांके प्रखंड के कांके प्रॉपर लक्ष्मण चौक में है, लक्ष्मण चौक प्रांगण में जी। और कितना देर यहाँ पर बर्फबारी हुआ? तो आधा पौन घंटा, आधा पौन घंटा हुआ था। क्या दिख रहा है यहाँ पर नजारा? ये तो हम पहली बार मतलब 20-25 साल में हम लोग याद में होता है ऐसा बर्फ कहीं नहीं देखने को मिला। हम लोग जानते थे कांके का तापमान न्यूनतम मतलब ठंडा प्रदेश ठंडा जगह है, लेकिन आज देखने को मिला कि सही ठंडा प्रदेश जैसा बर्फ हम लोग को देखने को मिल रहा है। किस तरह से बर्फबारी हुआ, कौन से जगह है? ये कांके चौक शिव मंदिर प्रांगण है और यहाँ पे आज बर्फबारी देख कर हम लोग को शिमला का जो जाने की जरूरत इसी को देख के हम लोग को नहीं लग रहा कि शिमला हम लोग जाएंगे कभी। अभी किसानों की बात करें तो खेती कौन सा लगा हुआ अभी? अभी तो किसानों की बात किया जाए तो अभी खेती में फूलगोभी, खीरा, कद्दू ये सब लगा हुआ है। वहाँ भी नुकसान इससे पहुँचा होगा, काफी नुकसान हुआ होगा किसान भाई? अभी नहीं गए आप लोग? अभी तो हम लोग खैर बर्फ का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे शिव मंदिर प्रांगण में। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार राम। ठीक।